और सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये गिवन है, फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है इज फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ पे रेज टू पावर ए, टेंशन पे रेज टू पावर बी, और मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ रेज टू पावर सी। तो एम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एम एल माइनस वन। इन्हें कंबाइन कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टी की पावर माइनस वन है, लेंथ एल है, टेंशन क्या होती है? फोर्स। सरफेस टेंशन नहीं है, ये टेंशन इन अ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की टेंशन इज रिप्रेजेंटेड एज एम एल टी माइनस टू फोर्स। और मास पर यूनिट लेंथ मैंने गलत कर दिया, मुझे एम एल माइनस वन पुट करना चाहिए था, ये करेक्शन है इसमें, तो यहाँ पर मुझे एम एल माइनस वन पुट करना है। अब आप अपना क्वेश्चन खुद ही कर लें, इसके बाद क्या करना है इसको मत देखें, मैंने थ्री के साथ कर लिया, गलत है, तो एम एल माइनस वन के साथ सॉल्व करें, हो जाएगा सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट क्लियर है? 12 ठीक है। शीट नंबर 4 के बाद शीट नंबर 5, फिफ्थ शीट में हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, कोई डाउट है पूछ सकते हो। 3, 4, 5 हो गया था, 5, 6, 7। 7 में ना यहाँ पे गलती से इनकरेक्ट हो गया, ये क्रॉस कर दो, ये इनकरेक्ट और करेक्ट का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्वांटिटी क्या है, तो आप एक्स क्वांटिटी लिखें, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर, एफ का मतलब फोर्स है, वी का मतलब वेलोसिटी है, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन है, और एल का मतलब लेंथ है। इसे कैंसिल करें सारी टर्म्स, कैंसिल करने पे आंसर क्या आ रहा है? एम टी माइनस टू, जो कि क्या है? सरफेस टेंशन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, सारे फॉर्मूलाज पुट करने हैं, एक्स लेंथ है, मेंशन होना चाहिए था, अगर नहीं मेंशन एक्स और वाई, एक्स लेंथ कैसे है, एक्स तो निकालना है, सॉरी एक्स निकालना है, मैंने गलत कर दिया, आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी है, मुझे इसकी जगह एक्स लिखना चाहिए था, राइट? अब ठीक है, गलत किया है, मुझे एक्स लिखना चाहिए था, आइडेंटिफाई करना चाहिए था, मैंने करेक्टनेस चेक कर दी गलती से, तो इसमें आइडेंटिफाई लिखा, तो एक्स की वैल्यू इसके इक्वल आएगी जो कि सरफेस टेंशन है। अब ठीक है, ऐसा है, क्योंकि मैं एल कैसे पुट करूँ, यही तो आइडेंटिफाई करना है, और अगर आइडेंटिफाई हो गया फिर क्वेश्चन क्या करूँगा, तो गलती से मैंने क्या किया, करेक्टनेस चेक कर दी पूरे उसमें, और इनकरेक्ट बोल दिया, जबकि इसमें मेरे को एक्स आइडेंटिफाई करना था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, करेक्टनेस इनकरेक्टनेस चेक करनी है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, करेक्टनेस इनकरेक्टनेस में भी डाउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 तो चेक ही नहीं करना, बिल्कुल क्लियर ही है, ई फॉर एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस इज करेक्ट, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी प्लस एनर्जी, तो वैसे ही करेक्ट है, बात ही खत्म है इसमें। एम जी एच में एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर भी एनर्जी है, ई भी एनर्जी है, तो एनर्जी का सम, एनर्जी का सम बिल्कुल एनर्जी, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं, सीधे बोल दो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट हो गया, कोई डाउट इसमें? करेक्टनेस चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, कितनों की हो गई है, करेक्टनेस चेक हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11 में आपको क्या करना है, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। लैम्डा का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? एल, वेवलेंथ का मतलब लेंथ। राइट हैंड साइड में एच का मतलब क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, हमने किया था प्लैंक्स कांस्टेंट, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है प्लैंक्स कांस्टेंट का, लेकिन इतना पता है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी इनटू टाइम, तो एनर्जी क्या है? एम एल टू टी माइनस टू, टाइम क्या है? टी, इन्हें माइनस मल्टीप्लाई करके एम एल टू टी माइनस वन, तो यहाँ पुट कर दिया, मास का मतलब एम है, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन है, तो यहाँ से एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, सॉल्व करके आंसर एल आ रहा है, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे चेक करना है इसमें? ठीक है यहाँ तक, तो ये करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट, ऐसा क्वेश्चन किया भी था हमने, याद है, ये अगर एल स्क्वायर है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, एल स्क्वायर ही होना पड़ेगा, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस हो सकती है, ऐसे किया था। अब आपको इसमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू एल स्क्वायर आ गई, ए निकालना है, तो एनर्जी क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर की टर्म माइनस करेंगे तो एल स्क्वायर ही आएगा, ए इन टू टी, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लास्ट टाइम किया था ना, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करके आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेते हैं, कितने लोगों का हो गया ये, इस क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है, आपको ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, इसके अंदर जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का वो एम एल टी माइनस टू है, तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्योंकि इसका 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 डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी रिलेशन करेक्ट है, तो इसका तो मुझे पता है एम एल टी माइनस टू, तो ए इंटू रूट एक्स का भी क्या होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, एक्स का मतलब क्या है, लेंथ रेज टू पावर हाफ, ये टर्म इसके नीचे आ गई, तो यहां से एल और एल की टर्म माइनस हो जाएगी, तो क्या आएगा, एम एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस टू, सही, और ऐसे बी टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम है, कितना, एम एल टी माइनस टू, तो टी स्क्वायर नीचे आ गया, ऊपर जाके माइनस फोर हो गया, बी की वैल्यू आ गई, कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम कर देना है, ठीक है यहां तक, कितनों का हो गया, ये हो गया था, ऐसे किया, ठीक है, ये शीट्स आपको ईमेल हो गई होंगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ईमेल दिया था उसे गूगल ड्राइव शेयर हो गई है, तो अब के बाद जो जो शीट डिस्कस होती जाएगी उसके ये पूरी शीट स्कैंड आपके ड्राइव में आती जाएगी, तो आप घर जाके इसको रेफर कर सकते हो, जैसे टेस्ट से पहले आपको देखनी है तो एटलीस्ट आपके रिकॉर्ड में रहेगी सारी शीट्स, ठीक है, तो जो भी मैं शीट दिखाऊंगा वो सॉल्व करके लाऊंगा और वो गूगल ड्राइव पे अपलोड होनी ही होनी है आफ्टर डिस्कशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देखो वाई का मतलब होती है लेंथ, ए फॉर एम्पलीट्यूड, और हमने किया था वो टेबल में, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ होती है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये एल है ये एल है, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं है, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओमेगा का और के का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, मेथड ये है कि ये साइन के आगे जो भी टर्म लिखी हुई है ब्रैकेट में, ये साइन का क्या है, एंगल, और एंगल डायमेंशनलेस होता है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये पूरे का पूरा क्या है, एंगल, और एंगल क्या है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस का मतलब वन, तो पूरी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, वन, तो अगर आंसर वन है तो यानी कि ये और ये टर्म भी क्या होगी, डायमेंशनलेस, क्योंकि वन और वन विल गिव वन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी माइनस करके आंसर क्या आएगा, डायमेंशनलेस, तो क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर ओमेगा टी की वैल्यू 1 है, हमने ओमेगा निकालना है 1 बाय टी है, तो टी रेज टू पावर माइनस 1, और ऐसी के एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, के की वैल्यू क्या है 1 बाय एक्स है, तो एक्स की वैल्यू एल पुट करेंगे तो क्या आएगा, एल की वैल्यू माइनस 1, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, तो मेन रूल यही है कि एंगल डायमेंशनलेस है, 1 है तो ये भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है, तो अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये 1 है, ये डायमेंशनलेस है तो ये भी 1 है, तो ओमेगा टी 1 है, के एक्स भी 1 है, यहां से ओमेगा और यहां से के कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये भी मैंने एप्लीकेशन में 3 करवानी है उसमें करवाऊंगा, फिलहाल नेक्स्ट शीट करते हैं, आपकी शीट नंबर 6, तो ट्राई की, कितने लोगों ट्राई किए, इसमें डाउट लेते हैं, तो इसके अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोगों को इसमें डाउट है, जो डाउट है बोल सकते हो, मैं करूंगा सॉल्व, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको,
वेवलेंथ कितनी, लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए, वेलोसिटी रेज टू पावर बी एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट रेज टू पावर सी। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, वी की पावर बी, एच की पावर सी। तो लैम्डा इज सम कांस्टेंट इनटू एम की पावर ए, वी की वैल्यू बी, एच की वैल्यू सी। डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर लें, डायमेंशन फॉर्मूला में लैम्डा की जगह एल, मास की जगह एम, वेलोसिटी की जगह एल टी माइनस वन, एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता था, एनर्जी इनटू टाइम। तो जो भी उसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट करके एबीसी निकाल के आंसर आएगा। क्या स्टेप क्लियर है, कैसे करना समझ में आ रहा है, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के एबीसी निकालना, और आपके पास वैल्यू आएगी माइनस वन एंड माइनस वन, जो इसका फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करके वैसे आएगा, ए की वैल्यू आएगी माइनस वन, बी की वैल्यू आएगी माइनस वन, सी की वैल्यू आएगी जीरो। तभी तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन, तो अल्टीमेटली चला जाएगा यहाँ से, एच नहीं आ रहा ना आंसर में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू में डाउट हो गया। ये वही क्वेश्चन है एम वी स्क्वायर बाई आर, जो मैंने पहला एप्लीकेशन में पहला फॉर्मूला करवाया था, सेम है। क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट कितने का हो गया, आ रहा है आंसर 1/2, 1/2। क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, फोर हो गया, ट्राई किया कितने का हो गया, हो गया 1/1/1 पावर आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, द वेलोसिटी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एच रेज टू पावर ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर बी। बस, तो वी इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एच की पावर ए, जी की वैल्यू बी, वेलोसिटी क्या है एल टी माइनस वन, एच क्या है लेंथ रेज टू पावर ए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस टू रेज टू पावर बी। तो ये वैल्यू आएगी, तो यहां से क्या आएगा, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल की पावर क्या है ए प्लस बी, और टी की पावर क्या है माइनस टू बी। तो यहां से कंपेयर करके क्या आ गया, बी आ गया, बी आ गया, तो ए प्लस बी वन है, तो वहां से ए की वैल्यू कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ए आ गया, बी आ गया, उस ए और बी को पुट कर लेना। वैसे बता देता हूं, ए और बी दोनों की वैल्यू इसमें आएगी 1/2 एंड 1/2, ये आंसर आएगा। इस वैल्यू को यहां पे पुट करना तो अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैसे आंसर देना है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आ गई इसमें फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में डाउट, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में डाउट, सेवन्थ में एक बॉडी है जिसका मास एम है, हंग एट वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट्स एस एच एम, एक स्प्रिंग के नीचे मास लगा दिया और वो एस एच एम में है। एस एच एम के फुल फॉर्म हम आने वाले टाइम में करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी भी पीरियोडिक मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, तो पीरियोडिक मोशन है ये, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं। वैसे हमने ये चेक करना है, प्रूव दैट दिस फॉर्मूला 2 पाई m/k इज इनकरेक्ट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड t पुट करें, कांस्टेंट का तो कुछ है नहीं, m डिवाइडेड बाय k का मतलब क्या है, फोर्स कांस्टेंट। अगर आपको याद हो तो हमने फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या किया था, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यही किया था ना। तो k का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई लेंथ एल, एल से एल कैंसिल, तो क्या बना एम टी माइनस टू। तो आप यहां पुट कर दो एम टी माइनस टू, एम से एम कैंसिल, तो टी स्क्वायर आ गया, तो ऑब्वियसली लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, तो प्रूव हो गया दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ठीक है ये मान गए इनकरेक्ट है, आपने प्रूव भी कर दिया, अब प्रूव करो इसका करेक्ट रिलेशन क्या है। तो करेक्ट रिलेशन में कहीं ना कहीं इसकी पावर्स गलत है। तो टाइम पीरियड लिखो, मास पे डिपेंडेंट है रेज टू पावर ए, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है रेज टू पावर बी। तो टाइम इज सम कांस्टेंट इनटू एम रेज टू पावर ए एंड कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट रेज टू पावर बी।
तो टाइम पीरियड की जगह पुट करते हैं टी, मास की जगह एम, और फोर्स कांस्टेंट अभी मैंने निकाला एम टी माइनस टू, ये रहा था। ए और बी के लिए सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू सॉल्व करके आएगी कोई हाफ, और बी की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस हाफ। जब इस वैल्यू में पुट करते हैं तो टी इज सम कांस्टेंट इनटू एम की वैल्यू आएगी हाफ और के की वैल्यू आएगी माइनस हाफ, तो टी इज सम कांस्टेंट इनटू अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय के आ जाएगा। दोनों के दोनों अंडर रूट में आएंगे तो ऐसा दिखेगा आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? मेथड क्लियर है? हो गया था कितनों को? हो गया वैसे ये हो गया था? ठीक है ठीक है। नहीं, के की वैल्यू माइनस हाफ आई थी तो डिनोमिनेटर में जाएगा के रेज टू पावर हाफ। ठीक है, ये रहा, तो ऐसा आएगा, तो एम की पावर हाफ अंडर रूट एम, के की वैल्यू माइनस हाफ तो नीचे अंडर रूट ऑफ के, तब बनेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट। 8 हो गया, कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, द मेथड ऑफ डायमेंशन यूज करो, सरफेस टेंशन एस डिपेंड्स अपॉन मास रेज टू पावर ए, प्रेशर रेज टू पावर बी एंड रेडियस रेज टू पावर सी। तो सरफेस टेंशन इज सम कांस्टेंट इनटू एम रेज टू पावर ए, पी रेज टू पावर बी, आर रेज टू पावर सी। तो इसमें क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे, किसका? सरफेस टेंशन का, मास का, प्रेशर का, डिस्टेंस का, एबीसी निकालेंगे, आंसर आएगा। इसमें इसमें जो फाइनल आंसर आएगा, ए की वैल्यू आएगी 0 और बी की वैल्यू आएगी 1, सी की वैल्यू आएगी 1, पुट करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा। और से एंड में बोला कांस्टेंट को हाफ पुट कर लेना, तो इसकी जगह रिप्लेस कर लेना 1/2 आंसर। बोल रहे हाफ तो हाफ पुट कर लेना, बात खत्म। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक, राइट। नेक्स्ट 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट किया था, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था जिसमें बताया था, थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होते हैं, पर इसने क्या लिखा, इलास्टिसिटी। तो आप यहां पर इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, 11 में यू ट्यूब ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन यहां से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट डिपेंड्स अपॉन एच रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी। तो टी इज सम कॉन्स्टेंट इन टू एच रेज टू पावर ए, रो रेज टू पावर बी, जी की पावर सी। तो ये टाइम पीरियड है, एच का मतलब लेंथ है, ये क्या है, डेंसिटी है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एबीसी सॉल्व करना, एबीसी में सॉल्व करके आपके पास ए की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1/2, बी की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0 और सी की वैल्यू आएगी माइनस हाफ। जब आप पुट करेंगे तो अपने आप एच की वैल्यू हाफ है तो अंडर रूट बन जाएगा, जी की वैल्यू माइनस हाफ है तो 1/√ ऑफ जी बन जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ऐसा आंसर आएगा। आप मेरे को ये ना समझेंगे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सर तो कमाल है यार, एबीसी ऐसे कर देते हैं एक मिनट में, मेरे को भी ट्रिक सिखाओ। मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मैं आंसर देख के बोल रहा हूँ। एच की पावर क्या है, हाफ, तो मैंने फटाफट देख लिया एच की पावर है ए, तो मैंने ए लिख दिया हाफ। फिर मैंने देखा कि जी की पावर क्या है, हाफ, ऊपर लेके जाऊंगा माइनस हाफ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस। ऐसे ना सोचना मेरे को ट्रिक्स आती है, कुछ नहीं आता मेरे को, आंसर देख के एबीसी लिख रहा हूँ मैं। ऐसा गलतफहमी हो सकती है कि यार हम ही कमजोर हैं, कि यार हमें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, सर तो फटाफट करते, हमसे नहीं होता। मेरे से अगर मेरे को कहोगे आंसर नहीं दिखाओगे, मैं भी एबीसी लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th में क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी, देखो क्रिटिकल वर्ड जरूरी नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी सफिशिएंट है, जिसका टाइम, जिसका फॉर्मूला था टी की पावर माइनस वन। एंगुलर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी, डिस्टेंस रेज टू पावर सी।
तो ओमेगा सी की जो वैल्यू आएगी वो कॉन्स्टेंट इंटू ईटा रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड डी रेज टू पावर सी आएगा। तो ओमेगा का मतलब टी की पावर माइनस वन है, ईटा का मतलब कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसकी वैल्यू इतनी है, डेंसिटी का मतलब एम एल माइनस थ्री है, और ऐसी डी का मतलब क्या है इसमें, डिस्टेंस का मतलब लेंथ है। सॉल्व कर लेना, एबीसी के लिए आंसर है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट ट्वेल्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट। कंसिडर सिंपल पेंडुलम, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन लेंथ रेज टू पावर ए एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर बी। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है एल की पावर ए, जी की वैल्यू बी। तो टाइम पीरियड तो टी है, लेंथ इसमें एल है, एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू है, रेज टू पावर बी। ए भी निकालना, पुट करना आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट खत्म।